तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अब हम अपनी मिट्टी में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं, सारे कंपोस्ट एनपीके बैलेंस्ड एनपीके सब कुछ दे रहे होते हैं और अच्छे से वाटरिंग करते हैं, मिट्टी की गुड़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी केयर करते हैं, फिर भी पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो उस कमी से कैसे निपटना है, क्या तरीका है कि हमें पौधों में ग्रोथ फिर से देखने को मिले और ग्रोथ क्यों रुकी हुई है, तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए क्या होता है, पौधे जो है, हमने ये मेरा मिर्च का पौधा है और इससे हमने ढेर सारी हार्वेस्टिंग ली है, मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो ये क्या होता है कि हमने इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, काउडंग कंपोस्ट दे रखी है, वर्मी कंपोस्ट हम देते हैं इसमें, इसमें हम बोन मील भी दे रहे हैं, इसमें बनाना पील फर्टिलाइजर भी हमने दिया, ऑनियन पील फर्टिलाइजर जो कि हमने बैलेंस्ड एनपीके बनाया उसको भी दिया। तो सारी चीज़ें देने के बाद और वाटरिंग आप देख रहे हैं सारी पौधों में अच्छे से हो रही है, मिट्टी भी नम है, शेडेड एरिया में हमने रखा हुआ है। सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पौधे में किसी पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो अब हम लेके चलते हैं आपको उसी चीज़ पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। अब एप्सम सॉल्ट को खाने वाला नमक या सेंधा नमक नहीं कह सकते क्योंकि वो होता है NaCl और ये है MgSO4। MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट का मतलब मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ये आप किसी एग्रीकल्चर स्टोर से या शायद मेडिकल स्टोर पर मिल जाए आपको, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये पौधों के लिए एक वरदान समझिए, खास करके उन पौधों के लिए जिसमें ग्रोथ रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं आ रही है किसी रीजन से सारी केयर करने के बाद भी। तो एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है। अब मैं बताऊं आपको कि किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए कुछ 15 से 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें NPK आप जानते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, उसके अलावा जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम आते हैं एप्सम सॉल्ट पर। एप्सम सॉल्ट जो कि MgSO4 है, तो MgSO4 में मैग्नीशियम जो है वो पौधों की फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार। मैग्नीशियम की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जिससे क्लोरोफिल नहीं बन पाता है, क्लोरोफिल ना बनने के कारण उनमें पौधों में भोजन नहीं बन पाता है। तो मैग्नीशियम की वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस अच्छा करते हैं और उनमें क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का जो कलर है वो शाइनी और ग्रीनरी होता है। तो ये पहला कारण है पौधों की ग्रोथ ना कर पाने का। और दूसरा जो, अब हम आते हैं सल्फर पर, सल्फर की वजह से जो इनमें न्यू ग्रोथ होती है वो नहीं होती है, इनमें जो सेल डिवीजन होता है, कोशिकाएं होती है, जैसे आप देखिए ये जो साइड से लीव्स निकलती हैं ये न्यू ग्रोथ आप दिख रही है, तो ये न्यू ग्रोथ इसमें नहीं हो पाता है पौधों में सल्फर की कमी की वजह से। तो इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं एप्सम सॉल्ट। अब मैं आपको बताऊं एप्सम सॉल्ट को यूज कैसे करना है। एप्सम सॉल्ट को मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि खास करके उन पौधों में ज़्यादा यूज किया जाता है जिनकी लीव्स ज़्यादा ग्रीनर होती हैं, ग्रीनरी दिखानी है हमें सजावट के पौधों में, जैसे कड़ी पत्ता हो गया या फिर मनी प्लांट हो गया। खैर आप इसे यूज तो वेजिटेबल प्लांट, फ्लावर प्लांट सब में कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है मैं वो भी बताऊँ, दो तरीके हैं एप्सम सॉल्ट को यूज करने के। तो दोस्तों जो पहला तरीका है, पहले मैं आपको दिखा दूँ नज़दीक से, ये देखिए ये है एप्सम सॉल्ट और इसे आप कभी भूलकर भी खाने में यूज मत कर लीजिएगा साल्ट के नाम पे। तो दो तरीके हैं इसे यूज करने के। पहला मैं दिखाऊँ आपको कि इसको हम पानी में घोल के यूज करेंगे। तो 1 लीटर पानी में हम करीब 1 चम्मच के बराबर ये एप्सम सॉल्ट यूज करेंगे। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है और इसमें हम एप्सम सॉल्ट डालने के बाद पानी में डालेंगे। इसे घोल के यूज करने पे, मतलब स्प्रे करने पे क्या होता है कि हमारे प्लांट के जो पत्तियों पे
जो छिद्र होते हैं उन पत्तियों के रास्ते ये पौधों में जाता है और फिर उसकी वर्किंग प्रोसेस को बढ़ाता है। तो इसको अच्छे से हमें घोल लेना है। जब घोल के आप पत्तियों पे डायरेक्ट स्प्रे करते हैं तो उससे क्या दो फायदे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं अभी लाइव। ये देखिए दोस्तों, ये जो नई ग्रोथ है ये पत्तियां आपको देखिए कितनी शाइनी और ग्रीन दिखाई दे रही हैं, पर ये जो पुरानी है जो खास करके फोटोसिंथेसिस करते हुए भोजन बनाते हैं पौधों के लिए, तो इस पे देखिए दिन भर धूल मिट्टी उड़ती है तो पत्तियां जो हैं डल होने लग जाती हैं और इससे अब चूंकि पत्तियों पे अगर मिट्टी बैठ जाएगी तो फोटोसिंथेसिस में प्रक्रिया जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाती है और इनके जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट को हमने इसमें भर लिया है और हमें देखिए सभी पत्तों पे स्प्रे कर देना है इसको इस प्रकार से। इससे पहला जो फायदा होगा, जो भी गंदगी है ये तो साफ हो ही रही है, साथ ही साथ जो एप्सम सॉल्ट का लिक्विड है डिजॉल्व वाटर में है वो, तो उसकी वजह से पौधों का फोटोसिंथेसिस काफ़ी अच्छा होने लग जाएगा और अगर फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, पौधे अच्छा भोजन बनाएंगे तो उनको अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिलेगी और उसको वो अपनी ग्रोथ में लेंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से पहला मेथड ये है कि आपको स्प्रे करना है, लगभग आप कोशिश करें कि पौधे की सभी पत्तियों पे स्प्रे जरूर कर दें। पर दोस्तों क्या होता है कि हम कितना भी स्प्रे कर लें सभी पत्तियों पे बराबर स्प्रे कर पाना थोड़ा मुमकिन नहीं है, कभी कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार ये पौधे की एक्चुअल ग्रोथ में उतना असरदार नहीं हो पाता है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका है कि इसे हम डायरेक्ट अपने सॉयल में दें। अब उसे कैसे देना है तो देखिए, जो हमारी सॉयल है पौधे की ग्रो बैग की, इसे हमें, मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी कंपोस्ट आप दें उससे पहले मिट्टी को नम बना लें। अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो जो भी आप कंपोस्ट देंगे वो कंपोस्ट पौधों की रूट्स तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा या ऊपर की जो मिट्टी काफ़ी धूप में जली हुई है प्यासी है तो ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो आपको क्या करना है कि मिट्टी में नमी बनाकर उसको ढीला कर लेना है, हल्की उसकी गुड़ाई कर लेनी है। देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इस प्रकार से हमने इसकी गुड़ाई कर ली। ये रहा। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, मिट्टी को ढीली करने के बाद हमें क्या करना है, गमले की साइज के हिसाब से 1 से 1.5 चम्मच एप्सम सॉल्ट हमें मिट्टी में चारों तरफ इस प्रकार से डाल देना है। इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में रखेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट की जो एक्स्ट्रा हो जाएगा पौधों में तो वो भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हमने देखिए चारों तरफ हमने इसमें स्प्रिंकल कर लिया। अब मिट्टी से हम इसे वापस से मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिलाने के बाद हम इसमें कर देंगे फिर से वाटरिंग। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है हमारा एप्सम सॉल्ट, ये डायरेक्ट रूट्स में जाएगा और रूट्स से होते हुए पूरे पौधे में प्रॉपर डिवाइड होके लगभग पौधे के हर हिस्से में पहुंचेगा। तो जो भी कमी पौधों में होगी, अगर मैग्नीशियम की होगी सल्फर की होगी तो वो पूरी होगी और पौधे में सेल डिवीजन का भी जो प्रोग्रेस है न्यू ग्रोथ है वो भी स्टार्ट होगी और फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पौधे में नई ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको आने वाले 10 से 15 20 दिनों के अंदर। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ हम गार्डनिंग में जब भी कोई फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो मैजिक नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है, स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि ये हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम पौधे को गुजार रहे हैं। तो थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो करीब 10 से 15 दिन आप पेशेंस रखिए और बार बार इस चीज़ को नहीं करना है आपको। 1 से 2 बार आपने कर लिया फिर पौधे की जब नीड हो, ग्रोथ नहीं हो रही हो तभी आपको एप्सम सॉल्ट यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पौधे में ग्रोथ हो रही है फिर भी आप एप्सम सॉल्ट दिए जा रहे हैं, इससे क्या होगा आपकी जो मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा अधिक हो जाती है पौधों में तो पौधे बाकी चीज़ों को लेना छोड़ देते हैं और उसी में ग्रोथ करने लग जाते हैं, इसलिए पौधे की ओवरऑल ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अगर कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।